अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनरेटर्स पर मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें डीसी जनरेटर्स और अल्टरनेटर्स को मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये भी एक्सप्लेन किया था कि इनके अंदर से कैसे मतलब जो है वोल्टेज पैदा होते हैं, मैग्नेटिज्म का इसमें क्या किरदार है, लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे मैग्नेटिज्म की जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो कैसे एक कंडक्टर को कट करती हैं तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। तो बहरहाल इसी टॉपिक को मैं लेके आज आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें मैं जनरेटर का ऑपरेशन, उसके कंट्रोल्स यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके जो है वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए और इसको लाइक भी कर लीजिए। तो चलें चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेसन में हम जनरेटर ऑपरेशंस, इसकी कंट्रोल्स और थ्री फेस आउटपुट कैसे ली जा सकती है, ये हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए एक जनरेटर ब्लॉक डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने शो किया है कि रोटर क्या होता है, और ये रोटर है, ये देखिए ये एवीआर है, ये स्टेटर है, ये इसके जो है ना कम्यूटेटर्स हैं, आप एक ये इसका फ़ैन है। बेसिकली ये फ़ैन सिर्फ इसको हवा देने के लिए होता है, ताकि ये रोटर ठंडा रहे, इसके अंदर से हवा गुजरती रहे। तो ये जो है स्टेटर से, क्योंकि हम आउटपुट ले रहे होते हैं, इसकी आउटपुट हम एवीआर को दे रहे होते हैं, एवीआर से एक पोर्शन हम लेके एक्साइटर को दे रहे होते हैं। ये एक्साइटेशन वोल्टेज हैं, ये एक्साइटेशन वोल्टेज जो हैं बेसिकली ये इस रोटर को अंदर जाएंगे और ये इसके मैग्नेट डिसाइड करेंगे। क्या फोर पोल है तो चार पोल्स में चार मैग्नेट बनेंगे, टू पोल है तो टू पोल मैग्नेट बनेगा, लेकिन ज़्यादातर ये फोर पोल होते हैं, ये जो सिंगल फेज जनरेटर होते हैं ये फोर पोल होते हैं। तो ये मैं आगे चल के बताऊँगा कि फोर पोल क्यों होते हैं। बहरहाल ये जो एवीआर है ये एक्साइटेशन वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, तो ये इसकी आउटपुट कंट्रोल हो जाएगी, इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है ये कंट्रोल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक स्टेटर और एक रोटर, मैंने इसके लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात बताई है कि ये जो रोटर है, ये थोड़ा बाहर है, ये ले अंदर कर लिया मैंने इसको। तो ये जो रोटर है बेसिकली, इसके ऊपर ये देखें ये स्लिप रिंग्स बने हुए हैं, ये एरोज से मैंने शो किए हैं, ये बिल्कुल स्मूथ हुए हैं, कॉपर के होते हैं। इनके ऊपर यहाँ ब्रश लगा दें, इसके साथ अटैच कर दें, तो ब्रश स्टेटिक होते हैं, ये रिंग्स जो है स्लिप रिंग्स जो है ये रोटेटिंग होते हैं। ये एक एसी जनरेटर, यहाँ से एसी आउटपुट मिलेगी बेसिकली आपको, क्योंकि ये स्लिप रिंग्स हैं, कंप्यूटेटर्स होते हैं तो आपको डीसी मिलती। ये इसका स्टेटर है। अब हमने, क्योंकि रिवॉल्विंग फील्ड, मैंने कहा था कि बड़े जनरेटर्स जो होते हैं जिनमें ज़्यादा करंट लिया जाता है वो रिवॉल्विंग फील्ड होते हैं, तो अब ये जो रोटर है इसको हम एक्साइटेशन वोल्टेज देंगे, इसके मैग्नेट बनाएंगे, और ये जो स्टेटर है इससे हम आउटपुट लेंगे। ये देखें, ये आउटपुट के लिए यहाँ टर्मिनल दिया हुआ है, यहाँ एक्साइटेशन वोल्टेज के लिए स्लिप रिंग्स के थ्रू हम इसको एक्साइटेशन वोल्टेज देंगे, ताकि ये मैग्नेट बने और इसको काटे इस फील्ड के वाइंडिंग को, और यहाँ से हमें वोल्टेज आउटपुट मिले। टू पोल वाइंडिंग कुछ इस किस्म की होती है, एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा वाजे कर दूँ तो ये देखिए, एक मैग्नेट ये बनेगा और एक मैग्नेट ये बनेगा, ये दो पोल बेसिकली बने हैं। तो टू पोल के इसके अंदर यहाँ पर जो है वो स्टेटर घूमेगा, ये यहाँ के यहाँ पर ये जो स्टेटर घूमेगा, इसके अंदर आप जो है ना एक्साइटेशन वोल्टेज देंगे, वो मैग्नेट वो भी मैग्नेट बनेगा, और यहाँ से आप आउटपुट लेंगे, ये जो आपकी फील्ड की वाइंडिंग है। आगे चलते हैं। ये देखिए, एक फोर पोल वाइंडिंग मैंने शो की है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए,
कि ये एक पोल है, ये एक पोल है, एक ये पोल है, एक ये पोल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर नॉर्थ है, फिर साउथ है, अल्टरनेट पोल्स हैं बेसिकली, एक नॉर्थ है, फिर साउथ है, फिर नॉर्थ है, फिर साउथ है। तो ये इसके अंदर रोटर है, रोटर जो है ना इसके अंदर भी वाइंडिंग होती है जिसको हम एक्साइटेशन वोल्टेज देंगे बेसिकली। ये देखें, ये स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर फ्रेम है, ये वाला जो है गोल, और ये वाला जो है डीसी वाइंडिंग्स है, ये जो है मैग्नेट बनाने के लिए, इनको पोल्स बनाने के लिए, ये पोल पीसेज हैं, और ये शॉफ्ट है। ये शॉफ्ट हम प्राइम मूवर को या किसी इंजन के या किसी मोटर को कपल करेंगे तो वो इसको घुमाएगी और इसमें वोल्टेज पैदा होंगे। आउटपुट वोल्टेज कैसे, मतलब जो है ना ये कंट्रोल होंगे, आपको पता है मोर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट जो होता है उसमें ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होती हैं और उसमें ज़्यादा जो है फ्लक्स बनता है। ये फ्लक्स जो है जिससे जिससे स्ट्रॉन्ग होगा वैसे वैसे ही इसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा होंगी। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर इफ मोर वोल्टेज आर अप्लाइड। किसी भी मैग्नेट को जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट को जितने ज़्यादा वोल्टेज देंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। इसी तरीके से इन जनरेटर्स मैग्नेट इज मेड बाय एक्साइटेशन वोल्टेज। एक्साइटेशन वोल्टेज जो आप देते हैं उससे मैग्नेट बनता है और जब वो घूमता है तो स्टेटर में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। कंट्रोलिंग एक्साइटेशन वोल्टेज विल कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज वेदर डीसी और एसी जनरेटर। दोनों किस्म के जनरेटर्स में एक्साइटेशन वोल्टेज कंट्रोल करने से इसके आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल किए जा सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखिए, ये जो ये मैंने रेड दायरा जो खींच दिया, ये जो AVR है, ये AVR बेसिकली कंट्रोल करता है इनके एक्साइटेशन वोल्टेज को। आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी और स्पीड और पोल पीसेस कैसे रखते हैं, डिज़ाइन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिपेंड करती है पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, और फिर स्पीड ये जो RPM है डिवाइडेड बाई 120। इसी के तरीके से अगर मैं इसको ले जाऊं, इसी तीन चीज़ें हमारे पास हैं, पी भी है, एन भी है और 120 फिक्स है। पी और एन और एफ तीनों में से दो चीज़ें अगर हमें मालूम हो तो तीसरी चीज़ मालूम की जा सकती है, ये मैथमेटिक्स का सवाल है। आगे चलते हैं, इसको मैं निकालता हूं, थोड़ा प्रूव करता हूं इसको। तो ये देखिए, ये एक फ्रीक्वेंसी है, वही मैंने दी है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पी नंबर ऑफ पोल्स एन RPM डिवाइडेड बाय 120। तो अगर एफ निकालना हो तो PN / 120, और अगर RPM निकालने हो तो एफ इंटू मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, और अगर पोल निकालने हो तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय RPM ऑफ द जनरेटर। तो इसी तरीके से हमें अब स्पीड से बेसिकली गर्ज है। स्पीड में आपको समझाना चाहता हूँ कि स्पीड कैसे जो है ना वो आपको बनाएंगे। तो n जो है ये स्पीड है, f इज इन मल्टीप्लाइड बाय 120 ओवर p, ये वही फार्मूला है जो मतलब अभी मैंने आपको बताया। इसके अंदर आप देखिए, f जो है हमें पता है, हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो रखनी है 50 साइकिल पर सेकेंड, पता है ना आपको। ये स्पीड में निकालने लगा हूँ अब जनरेटर की, तो फ्रीक्वेंसी हमने रखनी है 50, ये 50 ही होती है जो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड कह लें या उसको हर्ट्ज कह लें, एक ही बात है। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 120, ये फिक्स फिगर है, डिवाइडेड बाई पी नंबर ऑफ पोल्स। तो एन इज इक्वल टू 6000, 50 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 जवाब आएगा। तो स्पीड बराबर है 6000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स। अब ये नीचे आ जाइए, यहाँ पे स्पीड जो है ये 6000 डिवाइडेड बाई 2, अगर दो पोल आप रखते हैं तो RPM 3000 रहेगा। 3000 RPM जनरेटर को घुमाना पड़ेगा 3000 RPM पे, तो आपकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनेगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आप RPM 6000 ही रखते हैं और नंबर ऑफ पोल्स 4 कर लेते हैं तो आप देखें 1500 RPM निकलता है, क्योंकि 6000 को डिवाइड करें 4 से तो 1500 RPM आएगा। ये एक रीजनेबल RPM है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई RPM पे जो जनरेटर नहीं घूम पाएगा। तो ये 1500 RPM पर प्रैक्टिकल जो जनरेटर हैं हमारे पास, अब वो 1500 RPM ही उनकी स्पीड होती है। आगे चलते हैं,
ये देखिए एक थ्री फेज जनरेटर की मैंने वाइंडिंग शो की है। ये देखिए फेज़ जो है ना, ये फेज़ वन है, ये फेज़ टू है, ये फेज़ थ्री है, और इसी तरीके से नीचे उसकी आउटपुट भी हम शो की है मैंने कि किस किस तरीके से फेज़ वन की क्या आउटपुट होगी, फेज़ टू की क्या आउटपुट होगी, फेज़ थ्री की क्या आउटपुट होगी। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये कलर वाइज मैंने शो किया है कि तीन थ्री फेज जनरेटर में जो तीन पोल पीसेस हम बनाएंगे तीन वाइंडिंग्स के, तो एक ये पोल है, एक ये पोल है, एक ये पोल है, इसके अंदर हम अगर रोटर को घुमाएं तो इस तरह की आउटपुट मिलेगी हमें। ये देखिए ये आउटपुट जो है हमें, आप कलर वाइज आप देखें, ब्लू इसमें से ये ब्लू निकल रही है, इस रेड में से ये रेड निकल रही है, और इस ग्रीन में से ये ग्रीन जो है ना ये वेवफॉर्म निकल रही है। ये वेवफॉर्म्स को समझना भी ज़रूरी है, इस पर किसी वक्त बात करेंगे डिटेल में। लेकिन ये जो थ्री फेज जनरेटर है, आमतौर पर प्रैक्टिकली जब हम इनको बनाते हैं तो ये तीन पोल से नहीं बनाते, हम इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं प्रैक्टिकली। ये सिक्स पोल का एक जनरेटर है, जैसे एक सिंगल फेज में हम फोर पोल बनाते हैं, तो थ्री फेज में हम ये सिक्स पोल्स बनाते हैं नॉर्मली। ये देखें सिक्स पोल्स में से ये कलर वाइज हमने उसको शो कर दिया है, और ये इसकी आउटपुट वोल्टेज है। तो इस तरीके से थ्री फेज जनरेटर जो होते हैं ये बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, दीगर मुल्कों में, इंडिया में और बांग्लादेश में और बाकी मुल्कों में भी ये काम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्स है, कई मुल्कों में ये 60 हर्ट्स होती है, जैसे अमेरिका वगैरह में ये 60 हर्ट्स है, लेकिन आम तौर पर ये हमारे मुल्क में 50 हर्ट्स दिया था, हर जगह पर 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होती है जितने भी वोल्टेज हमारे पास यूज़ होते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, और इसको आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा चैनल को, अगर नहीं किया तो अब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें, और इसको लाइक भी कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।